नमस्कार दोस्तों, टीवी जगत से आज बहुत ही बुरी खबर आ रही है। आप जानते ही होंगे कि 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। वे बीते 41 दिनों से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे थे। उनका परिवार, मित्र और फैंस उनके ठीक होने की प्रार्थनाएं लगातार कर रहे थे, मगर राजू जिंदगी की ये जंग हार गए हैं। बड़े ही दुख की बात है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। राजू के बहनों ने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान बताया कि सुबह राजू का बीपी गिर गया था, जिसके बाद उन्हें सीपीआर दिया गया। पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन फिर प्रतिक्रिया देना बंद कर दी। डॉक्टर्स 2-3 दिनों में वेंटिलेटर हटाने वाले थे, दवा की खुराक भी कम कर दी थी, लेकिन अब वे नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव के मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई नम आंखों से राजू को श्रद्धांजलि दे रहा है। रितेश देशमुख ने ट्वीट करके लिखा है कि राजू भाई, आप बहुत जल्दी चले गए। स्टेज और ऑफ स्टेज किंग ऑफ ह्यूमर, हमारे जीवन को हंसी और आनंद से भरने के लिए प्रिय राजू श्रीवास्तव का धन्यवाद। परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना। कॉमेडियन कीकू शारदा ने भी राजू के निधन पर दुख व्यक्त किया है और ट्विटर पर लिखा है, अविश्वसनीय, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार, एक महान इंसान और एक खूबसूरत आत्मा, राजू भाई आपको याद करेंगे। ऋतिक रोशन ने ट्वीट करके लिखा है कि आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, रेस्ट इन पीस राजू श्रीवास्तव सर। परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं। राजपाल यादव ने लिखा है कि इस नुकसान का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपने हम सबको बहुत जल्दी छोड़ दिया, आप बहुत याद आओगे मेरे भाई, मुझे इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो इन सेलेब्स के अलावा भी कई सेलिब्रिटीज राजू श्रीवास्तव को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। टॉलीवुड खबरी भगवान से प्रार्थना करता है कि राजू श्रीवास्तव की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे।